हेलो चिल्ड्रन कंटिन्यू विद द रिवीजन पोर्शन नाउ वी आर मूविंग अहेड टू चैप्टर फोर जोग्रफी दैट इज एटमोसफेयर दै एटमोसफेयर एंड इज टेम्परेचर स्टार्टिंग विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन विच आर द मोस्ट अबेंडेंट गैसेज इन द एटमोसफेयर कौन से गैसेज हैं जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं एटमोसफेयर में आंसर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन दैट इज सेवेंटी एट परसेंट ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट क्वेश्चन नंबर टू नेम द फोर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर हमें नेम करनी है फोर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेसोसफेयर एंड थर्मोस्फेयर देन डिफाइन इंसुलेशन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन का मतलब होता है जिस प्रोसेस से सन अपनी एनर्जी को गिव आउट करते हैं उसे कहा जाता है सोलर रेडिएशन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड इंसुलेशन तो amount, जो अमाउंट जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो रिसीव्ड होती है अर्थ में उसे कहा जाता है इंसुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट इनी टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमें बतानी हैं जो कि इंफ्लुएंस करते जो प्रभाव डालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ आंसर द इंक्लानीशन ऑफ सन रेज जो uh, टिल्टिंग ऑफ सन होती है सेकेंड लेंथ ऑफ द डे थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर फोर्थ थिकनेस ऑफ एटमोसफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर वैरी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड गिव रीजन टेम्परेचर वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, इसकी रीजन बतानी है हमें द टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड बिकॉज द सन रेज स्ट्राइक स्ट्राइक्स ऑन द अर्थ एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स तो टेम्परेचर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड बिकॉज सन रेज स्ट्राइक करती है ऑन द अर्थ एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स फॉर एग्जाम्पल सन रेज एट डायरेक्ट ओवर इक्वेटर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन रेज डायरेक्ट होती है इक्वेटर के ऊपर बट स्लैंटिंग होती है एट पोल्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द रीजन फॉर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंस तो क्या रीजन है टेम्परेचर डिफरेंसेज की बिटवीन ओशंस एंड द कॉन्टिनेंस की आंसर अ लैंड ऑब्जॉर्व दैन रिफ्लेक्ट्स मोर हीट देन वाटर बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर सो लैंड इज हीटेड एंड कूल्ड इन अ मच शॉर्टर टाइम देन वाटर तो लैंड एब्जॉर्व करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं मोर हीट कम्पेयर टू वाटर क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है लैंड की वो लेस होती है कम्पेयर टू वाटर तो इसी के वजह से लैंड हीटेड एंड कूल्ड हो जाते हैं इन अ मच शॉर्टर टाइम कम्पेयर टू वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द लेयर विच मेक्स द रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हमें उस लेयर के बारे में बताना है जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है आंसर आइनोस्फेयर नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीज़न तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए हमें रीज़न बतानी है ओजोन लेयर ऑब्जॉर्व द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन तो ओजोन लेयर ऑब्जॉर्व करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि सन से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरोप्लेन्स हमें उस लेयर के बारे में बतानी है एटमोसफेयर की जो कि सूटेबल होते हैं फॉर एरोप्लेन्स आंसर स्ट्रेटसफेयर क्वेश्चन नंबर टेन विच लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ओजोन गैस ऑफ द एटमोसफेयर तो कौन सा लेयर कंटेन करते हैं मोस्ट ऑफ द ओजोन गैस ऑफ द एटमॉसफेयर आंसर स्ट्रेटसफेयर नाउ मूविंग टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन नेम द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस हमें लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर को नेम करना है और एक्सप्लेन भी करना है उनके इम्पोर्टेंस आंसर द फोर मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर तो फोर मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉसफेयर ऑफ द अर्थ है सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर द ट्रोपोसफेयर इज द लोएस्ट एंड द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट ऑल डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर कंटेन इन इट तो ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट और डेंसेस्ट लेयर होते हैं अर्थ के और ऑलमोस्ट सारे डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर इसी लेयर में होते हैं सेकेंड स्ट्राटोस्फेय द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्राटोस्फेयर तो सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को बोला जाता है स्ट्राटोस्फेयर और जो ज़्यादातर ओजोन होते हैं एटमोसफेयर के वो कंटेन करते हैं इसी लेयर में थर्ड मेसोस्फेय तो मेसोस्फे जो कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है इन द एटमोस्फेयर मेसोसफेयर में ही सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर होती है फोर्थ थर्मोस्फेयर इट लाइज अबाव मैसोसफे इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स तो थर्मोस्फेयर जस्ट लाई करती है अबाव मेसोसफेयर और थर्मोस्फेयर को डिवाइडेड किया गया है दो पार्ट्स में आइनोस्फेयर दिस लेर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो सिग्नल्स बैक टू द अर्थ दस मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल तो इस लेयर ये लेयर रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो सिग्नल्स बैक टू द अर्थ और इसी की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती हैं एक्सोस्फेयर द अपर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर जो अपर पोर्शन होती है थर्मोस्फेयर की उसे बोला जाता है एक्सोस्फेयर द एटमोसफेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर टू द टू द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन जो अपर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर होती है उसे कहा जाता है एक्सोस्फेयर और दो जो एटमोसफेयर होती है वो एक्ट करती है एक फिल्टर के तौर पे टू द रेडिएशन जो कि आती हैं सन से देन डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर एंड स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टुंस तो हमें डिस्क्राइब करनी है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर और उनके इम्पॉर्टेंस के बारे में भी बताना है आंसर कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज तो एयर मिक्सचर होते हैं अलग अलग गैसेज के द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमोसफेयर इज नाइट्रोजन जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस होते हैं एटमॉस्फेयर के वो है नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन एंड वाटर वेपर तो जो रिमेनिंग जो वॉल्यूम होती है एयर की एटमॉस्फेयर में वो बने हुए होते हैं नंबर ऑफ गैसेज जो कि इंक्लूड करते हैं आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन एंड वाटर वेपर इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर आर इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर क्या क्या है ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस जो सारे गैसेज प्रेजेंट हैं एटमोसफेयर में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सेकेंड वी ब्रीद इन ऑक्सीजन विदाउट विच नो लाइफ इज पॉसिबल हम ऑक्सीजन को ब्रीद करते हैं जिसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी थर्ड नाइट्रोजन प्लेज एन इम्पॉटेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग एंड बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। फोर्थ ओजोन एबजॉर्वस द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्राम द सन ओजोन एबजॉर्ब करते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेडियशंस आती हैं सन से थर्ड हाउ इज एटमोसफेयर हीटेड एटमोसफेयर कैसे हीटेड अप हो जाते हैं हाउ इज एटमोसफेयर हीटेड आंसर द एटमोसफेयर इज हीटेड बिकॉज ऑफ टेरिस्ट्रियल रेडिएशन द एटमोसफेयर हीटेडअप हो जाता है बिकॉज ऑफ टेरिस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से सेकेंड सोलर रेडिएशन रिचेज़ द अर्थ सर्फेस सेकेंड सोलर रेडिएशन रीच करते हैं अर्थ के सर्फेस को विदाउट हीटिंग द एटमोसफेयर बिकॉज देर आर शार्टव्स तो बिना हीटेडअप किए एटमॉसफेयर को क्योंकि देर आर शार्टवस क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट वेव्स होते हैं द नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन इज नोन एज टेरिस्ट्रियल रेडिएशन तो ज़्यादातर जो हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड होती है अर्थ सर्फेस की इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन उन्हें बोला जाता है टेरिस्ट्रियल रेडिएशन क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ सर्फेस तो हमें एक्सप्लेन करनी है वो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ सर्फेस आंसर the factors affecting the distribution of insulation on the earth surface are answer inclination of sun rays sabse pehla jo factor hai wo hai inclination of the sun rays the angle at which the rays of the sun strike the earth varies from place to place and from time to time तो जिस एंगल से रेज जो होती है सन की वो स्ट्राइक करती है अर्थ को वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स द सन रेज ट्राइक द सर्फिस ओब्लिकली यानी कि स्लांटिंग तरीके से मॉर्निंग एंड इवनिंग में सन रेज स्ट्राइक करती है सर्फिस ऑफ द अर्थ स्टांटिंग तरीके से वेर एज सन रेज होती है वो स्ट्राइक करती है अर्थ को ऑलमोस्ट वर्टिकली एट नून सेकेंड लेंथ ऑफ द डे देंथ ऑफ द डे वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड द डेर लॉन्गेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड इन समर दैन इन विंटर तो जो लेंथ ऑफ द डे होती है वो भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड और जो डेज होती है वो लॉन्गेस्ट होती हैं इन द हायर लैटिट्यूड्स इन समर कम्पेयर टू इन विंटर थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर लैंड एबजॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट्स मोर हीट दैन वाटर बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर सो लैंड इज हीटेड एंड कूल्ड इन अ मच शॉर्टर टाइम देन वाटर तो लैंड एबजॉर्व करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं मोर हीट कम्पेयर टू वाटर क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होता है लैंड का वो लेस होता है कंपेयर टू वाटर तो इसी की वजह से लैंड हीटेड और कोल्ड कूल डाउन हो जाते हैं इन अ मच शॉर्टा टाइम कम्पेयर टू वाटर थिकनेस ऑफ एटमोसफेयर ऑफ द एटमॉसफेयर द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन ऐट द अर्थ सर्फिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द एटमॉसफेयर जो इंटेंसिटी होती है इंसुलेशन की एट द अर्थ सर्फिस वो भी डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द एटमोसफेयर के ऊपर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट इज द डिफ्रेंसिस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट वेदर एंड क्लाइमेट इट वैदर सबसे पहला पॉइंट इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर डे ऑफ टाइम ये कंडीशन होती है एटमोसफेयर की एट अ पर्टिकुलर डे ऑफ टाइम में क्लाइमेट क्लाइमेट होती है एक एग्रीगेट टोटल विच मीन्स एग्रीगेट का मतलब जो क्लाइमेट होती है वो एग्रीगेट होती है ऑफ डे टू डे वेदर सेकेंड वेदर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर स्टेशन वेदर रेफर करती है एक पर्टिकुलर स्टेशन की क्लाइमेट रेफर करती है एक लार्ज एरिया की क्लाइमेट रेफर करते हैं एक बड़े से एरिया को थर्ड वैदर में चेंज एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो वैदर चेंज कर सकते हैं एक बड़े एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में क्लाइमेट रिमेन्स मोर और लेस अन चेंज ईयर आफ्टर ईयर तो क्लाइमेट रिमेन होते हैं रिमेन uh, होते हैं अनचेंज्ड ईयर आफ्टर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द गिव पोर्शन ऑफ चैप्टर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर द एटमॉस्फेयर रिसीव हीट फ्रॉम द अर्थ एंड नॉट फ्रॉम द सन तो एटमॉस्फेयर रिसीव करते हैं हीट फ्रॉम द अर्थ एंड नॉट फ्रॉम द सन आंसर दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन नोन एज टेरिस्ट्रियल रेडिएशन तो इसकी वजह है कि जो ज़्यादातर जो हीट एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्टेड बैक होती है अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन जिन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सेकंड पोलो रीजन्स ऑफ लो टेम्परेचर पोलो रीजन्स में लो टेम्परेचर होती है तो इसकी वजह है इंसुलेशन रिसीट पर यूनिट एरिया एट द पोलर रीजन इज मिनिमम ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द एटमोसफेयर तो इसका कारण है जो इंसुलेशन रिसीव्ड होती है पर यूनिट एरिया पोलो रीजन्स में वो मिनिमम होती है और इसकी वजह है थिकनेस ऑफ द एटमोस्फेयर द नेक्स्ट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन गिव मोर हीट देन द स्लटिंग रेज तो जो वर्टिकल रेज ऑफ द सन होती है वो ज़्यादा हीट देती है कंपेयर टू स्लांटिंग रेज आंसर दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन स्ट्राइक द अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तो जो रेज ऑफ द सन होती है वो स्ट्राइक करती है अर्थ को वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम और एट नून जो वर्टिकल रेज ऑफ द सन होती है वो ज़्यादा हीट देती है बिकॉज जो सन रेज होती है वो कंसनट्रेटेड यानी कि एक ही जगह जमा होती है एक स्मॉलर एरिया में और हीट रिसीव जो होती है पर यूनिट ऑफ एरिया वो ज़्यादा होती है मूविंग टू चैप्टर थ्री आर चेंजिंग अर्थ जोग्राफी स्टार्टिंग विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन वॉट आर इंटरनल प्रोसेसिस ऑफ द अर्थ तो इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ क्या होते हैं

एक्सटर्नल प्रोसेस टेक्स प्लेस करती हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और इसके एग्जाम्पल हैं विंड सीवे एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर थ्री कैटेगराइज द फॉलोइंग एज इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ द अर्थ तो हमें कैटेगराइज करने है कि ये एक्सटर्नल प्रोसेस है या फिर इंटरनल ग्लेशियर एक्सटर्नल प्लेट्यू इंटरनल क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन इरोजन हमें इरोजन को डिफाइन करना है इरोजन इज द वेदरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर विंड एक्सेट्रा तो इरोजन जो होती है वेदरिंग अवे होती है लैंडस्केप की बाई डिफरेंट एजेंट जैसे कि वॉटर विंड एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर फाइव स्टेट एनी टू लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड तो हमें दो लैंड फॉर्म्स के बारे में बताना है जो कि क्रिएट किए जाते हैं विंड के द्वारा सबसे पहला डिफ्लेशन हॉलोस सेकेंड सैन ड्यून्स क्वेश्चन नंबर सिक्स नी एनी टू लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स हमें दो लैंड फॉर्म्स के बारे में बताना है जो कि ग्लेशियर्स के द्वारा क्रिएट किए गए हों सबसे पहला सर्क second, मोरेन क्वेश्चन नंबर सेवन नीम इन टू इंडिया दो लगून के बारे में बताना है ऑफ इंडिया सबसे पहला चिल्का लेक इन उड़ीसा सेकेंड पोलिकात लेक इन तमिलनाडु क्वेश्चन नंबर एट मैंशन एनी टू लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाई अ रिवर इन अपर सापोस तो हमें दो लैंड फॉर्म्स के बारे में बताना है जो कोई जो कि फॉर्म किया जाता है रिवर के द्वारा एक उनके अपर कोर्स में रिवर के अपर कोर्स में आंसर आई आईशेप वैली एंड सेकेंड वाटरफॉल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन मैंशन एनी टू लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाई अ रिवर इन इट्स मिडिल कोर्स तो हमें दो लैंड फॉर्म्स के बारे में बताना है जो कि क्रिएट किया जाता है रिवर के द्वारा इन इट्स मिडिल कोर्स आंसर है फ्लैट प्लेन्स सेकेंड ऑक्सबाउ लेक क्वेश्चन नंबर टेन मेंशन एनी टू लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाई अ रिवर इन इट्स लोअर कोर्स तो हमें दो लैंड फॉर्म्स के बारे में बताना है जो कि फॉर्म किया गया है रिवर के द्वारा उनके लोअर कोर्स में आंसर डेल्टा एंड स्ट्योरी नाउ लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर वन डिस्क्राइब द मेजर लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस बाई विंड हमें मेजर लैंड फॉर्म्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं विंड के द्वारा उनके बारे में हमें बतानी है आंसर आर डिफ्लेशन हॉलो एंड सैंडून्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स मेड बाय द विंड तो एक डिफ्लेशन हॉलो और जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि क्रिएट किए गए होते हैं विंड के द्वारा सेकंड रिमूवल ऑफ सैंड थ्रू डिफ्लेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डिप्रेशन आर कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोज जो रिमूवल होती है सैंड की थ्रू डिफ्लेशन उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है एक लार्ज से डिप्रेशन का जिसे कहा जाता है डिफ्लेशन हॉलोज थर्ड सैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर्म बाई द डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड तो सैंड सैंड्यून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होती है जो कि फॉर्म किया गया होता है डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड के द्वारा क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द मेजर लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस बाई सी वेव्स तो हमें बतानी है मेजर लैंड फॉर्म्स जो कि प्रोड्यूस किए गए होते हैं सी वेव्स के द्वारा आंसर इरोशनल वर्क ऑफ सी वेव्स सबसे पहले इरोशनल वर्क ऑफ सी वेव्स फर्स्ट क्लिफ अ क्लिफ हैज अटीप स्लोप फेसिंग द सी क्लिफ में एक स्टीप स्लोप होती है जो फेस करती है सी को देन सी आर इट इज द ओपनिंग थ्रू हेडलैंड फॉर्म बाई द वेव इरोजन विच लीज अ ब्रिज ऑफ रॉक ओवर द वॉटर तो एक ओपनिंग होती है uh, जिसको फॉर्म uh, किया गया होता है वेव इरोजन के द्वारा जिसके द्वारा एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है ओवर द वॉटर ब्रिज ऑफ रॉक का फॉर्मेशन होता है ओवर द वॉटर डिपॉजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेवस के बारे में हम जानेंगे सबसे पहला सैनबाज तो सैनबाब्स सैनबाज फॉर्मड करते हैं uh, तो सैनबाज बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं सेडिमेंटेशन के द्वारा जिन्हें बोला जाता है सैनबाज सेकेंड बीच जो सी वेवस डिपॉजिट करते हैं सैडमेंट्स सी के किनारों में आ, वो फॉर्म करते हैं बीचेस को क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्क्राइब द मेजर लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाई ग्लेशियर्स तो हमें डिस्क्राइब करनी है मेजर फॉर्म्स जिनको प्रोड्यूस किया जाता है ग्लेशियर्स के द्वारा स्टार्टिंग विद इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स सबसे पहला शेप्ड वैली अ टाइप ऑफ वैली विद अ ब्रॉड फ्लोर एंड स्टीप वॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोजन तो एक प्रकार की वैली जिसमें ब्रॉड फ्लोर होते हैं और स्टीप वॉल्स होती है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ग्लेशियर इरोजन के द्वारा देन सर्क अ सर्क इज़ एन आर्मचेयर चेयर शेप डिप्रेशन विद अ स्टीप बैक वॉल दिस डिप्रेशन अकर नियर द समिट रीजन्स ऑफ द माउंटेंस तो सर्क बेसिकली एक आर्मचेयर शेप की डिप्रेशन होती है जहाँ पर स्टीप बैक वॉल होती है और ये डिप्रेशंस होते हैं नियर द समिट रीजन्स जो होती हैं माउंटेंस की उसके uh, नियर होते हैं ये देन डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स सबसे पहला मोरेन जो एक अनसर्टेड रॉक मटेरियल्स जो लेफ्ट आउट हो जाते हैं ग्लेशियर्स uh, के द्वारा उन्हें मोरेन कहा जाता है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर वन वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमनेंट इन डेजर्ट एरियाज तो जो वर्क ऑफ विंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेजर्ट एरियाज में इसकी वजह है कि डेजर्ट एरियाज़ में सॉयल पार्टिकल्स लूज़ होती हैं और ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर एंड वेजिटेशन की वजह से क्वेश्चन नंबर टू द इरोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ रिवर इज़ मैक्सिमम इन द अपर कोस तो इसकी वजह है कि अपर कोस में रिवर फ्लो करते हैं माउंटेन रीजन्स में जहाँ पे ग्रेडियंट्स काफ़ी ज़्यादा स्टीप होते हैं ग्रेडियन काफ़ी ज़्यादा स्टीप होते हैं और जो स्पीड होती है रिवर की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है वेलोसिटी का भी मतलब होता है स्पीड क्वेश्चन नंबर थ्री द इरोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ द रिवर इज मिनिमम इन द लोअर कोस तो इरोडिंग और जो ट्रांसपोर्टिंग पावर होती है रिवर की वो सबसे ज़्यादा कम होती है लोअर कोस में इसकी वजह है जो ग्रेडियंट होती है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती है वेदरिंग वेदरिंग होती है ब्रेकिंग ऑफ ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर वन इन्वायरमेंट स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन इन्वायरमेंट द प्लेस वे पीपल थिंग्स एंड नेचर आर सराउंडेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल एन्वायरमेंट तो वो जगह जहाँ पे लोग थिंगस और नेचर सराउंडड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से उन्हें कहा उसे कहा जाता है इन्वायरमेंट सेकेंड मैंशन एनी टू कॉम्पोनेन्ट्स ऑफ एन्वायरमेंट तो दो कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन्वायरमेंट के बारे में हमें बतानी है आंसर बायोटिक एंड ई बायोटिक क्वेश्चन नंबर थ्री ह्यूमंस आर एबायोटिक बायोटिक ऑफ द इन्वायरमेंट इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स गिव रीजन तो ह्यूमंस एबायोटिक बायोटिक होते हैं ऑफ द एनवायरमेंट ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स गिव रीजन तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है एज ई बायोटिक आर कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स तो जैसे कि ई बायोटिक्स कॉम्पोनेन्स कम्पोज होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा क्वेश्चन नंबर फोर द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एन ऑफ एयर आइडेंटिफाई द टर्म तो अर्थ सराउंड इन विलप ऑफ एयर के द्वारा तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म को द आंसर इज एटमोसफेयर क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन बायोस्फेयर आंसर बायोस्फेयर इज अ नारो जोन ऑफ द अर्थ वे लैंड एयर एंड वाटर मीट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ तो बायोस्फेयर एक नैरो जोन होती है ऑफ द अर्थ जहाँ पे लैंड एयर वॉटर मीट करते हैं एक दूसरे के एक दूसरे के साथ टू सपोर्ट लाइफ वॉट इज़ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है द वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज़ ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी जो वाइड रेंज होती है स्पीशीज़ की ऑन द अर्थ उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन पल्यूशन तो पल्यूशन बेसिकली हार्मफुल सब्सांसिस होती हैं फॉर इन्वायरमेंट जिसकी वजह से uh, जो कि कॉज्ड होते हैं इंडस्ट्रीज और डिफॉरस्ट्रेशन के द्वारा क्वेश्चन नंबर एट वाई डू वी नीड टू हैंडल वेस्ट केयरफुल हमें क्यों ज़रूरत है कि वेस्ट को हमें ध्यान से हैंडल करें आंसर इफ़ द वेस्ट इज नॉट हैंडल केयरफुली देन देर विल बी मोर पोल्यूशन तो अगर वेस्ट को हैंडल नहीं किया गया हो केयरफुली तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पल्यूशन होगी ऑन दी अर्थ और जिसकी ड्यू टू वेस्ट सबस्टेंसेज के द्वारा क्वेश्चन नंबर नाइन डिफाइन डिफॉस्ट्रेशन कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज कॉल्ड डिफॉरिस्ट्रेशन तो जो कटिंग ऑफ ट्रीज होती है लार्ज नंबर्स में उन्हें कहा जाता है उसे कहा जाता है डिफॉरस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर टेन डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट डैमेजिंग द लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इम्प्रूव कर जो इम्प्रूव करने की जो क्वालिटी होती है लाइफ की विदाउट डैमेजिंग द लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लाइफ को डैमेज किए बिना उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना मूविंग टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर वन क्वेश्चन नंबर वन लिस्ट एनी फोर पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट फोर पार्ट्स ऑफ एन्वायरमेंट के बारे में हमें बतानी है सबसे पहला एटमोसफेयर सेकेंड लिथोसफेयर थर्ड हाइड्रोस्फेयर डी बायोस्फेयर क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लीथोसफेर तो हमें यूजफुलनेस बतानी है एटमॉस्फेयर और लीथोसफेयर की यूजफुलनेस ऑफ एटमॉस्फेयर आर द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ थिन ब्लैंकेट विच प्रोटेक्ट्स एज फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावाट रेज ऑफ द सन तो एटमॉस्फेयर एक्ट करती है एक थिन ब्लैंकेट की तौर पे जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमें फ्रॉम हल हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से बी द एटमोस्फेयर एक्ट एज अग एयर कंडिशनर मॉडरेटिंग एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड तो एटमोसफेयर एक्ट करते हैं एक बड़े से एयर कंडिशनर की तरह जो कि मॉडरेट करते हैं एक्सट्रीम हीट और कोल्ड को यूजफुलनेस ऑफ लीथोसफेयर द लीथोस्फेयर प्रोवाइड्स लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट तो लीथोस्फेयर प्रोवाइड करते हैं लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट देन इट इज़ अ सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल रिसोर्सेस सचर्स कोल एलमोनियम एक्सेट्रा तो ये सोर्स है काफ़ी तरीके के मिनरल रिसोर्सेज की जैसे कि कोल एंड अलमोनीय अलमोनियमिन एलमोनियम एक्सेट्रा सी द लिथोसफेयर इज़ कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ सॉयल विच हेल्प्स टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स तो लिथोस्फेयर कवर्ड होते हैं थिन लेयर ऑफ सॉयल जो कि हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड ई बायोटिक कॉम्पोनेन्ट्स या फिर डिस्टिंग्विश बायोटिक कम्पोनस दिस रेफ़र्स टू द वर्ल्ड ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ई बायोटिक कम्पोनस दिस रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ़ नॉन लिविंग थिंग्स तो बायोटिक कम्पोनस रेफ़र करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और ई बायोटिक कम्पोनस रेफ़र करते हैं वर्ल्ड ऑफ नॉन लिंग थिंग्स की